हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है कंप्यूटर एंड एक्सेल सॉल्यूशन चैनल। आज हम सीखेंगे स्ट्रिंग के बारे में। देखिए, जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि सी लैंग्वेज की अगर बात करते हैं तो स्ट्रिंग क्या होता है। स्ट्रिंग इज अ सेट ऑफ कैरेक्टर टर्मिनेटेड एट नल कैरेक्टर इज कॉल्ड स्ट्रिंग। यानी कि सेट ऑफ कैरेक्टर्स को हम स्ट्रिंग कहते हैं और लास्ट में आता है नल कैरेक्टर। ठीक है, नल कैरेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? हम इसको लिखते हैं बैक स्लैश जीरो। तो जीरो से रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम। रिप्रेजेंट करने का तरीका यही नल कैरेक्टर है। ये है नल कैरेक्टर। ठीक है, जैसे कि आपने एरे बनाया होगा तो एरे में आपने स्क्वायर ब्रैकेट बनाया होगा। ठीक है, तो जो भी आप एरे बनाते हो, ठीक है, लेकिन स्ट्रिंग की अगर बात करें तो हम हमेशा लास्ट में नल कैरेक्टर प्रयोग करते हैं। चलिए ये समझते हैं इसके प्रोग्राम को कि इस पे हम प्रोग्राम कैसे लिख सकते हैं, और साथ ही साथ समझेंगे हम इसमें पुटेस क्या होता है, पुटेस के बारे में भी समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और ओपन कर लेते हैं अपना कोड विंडो। ठीक है, IDE ओपन करता हूं मैं, टर्बो C++। यहां पे हम लेंगे न्यू फाइल। अब न्यू फाइल लेने के बाद ये देखिए, इसमें पहले से सेव कुछ आ रहा है, इसको मैं हटा देता हूं। इसको मैंने हटा दिया यहां से। अब यहां पर नीचे आएंगे तो यहां पे हमें मेन फंक्शन बनाना है, तो मैं यहां लिखता हूं void main। और यहां पर हम क्या लिखेंगे, यहां पे हम एक कैर टाइप का एरे बना लेते हैं। ठीक है, कैर टाइप का हमने एरे बनाया और उस एरे का नाम रख लिया ए। ठीक है, और उसकी साइज जो मेंशन करनी है, क्योंकि आपको पता होगा कि एरे को हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं, उसकी साइज जो भी हो, जैसे मान लीजिए मैं लिखता हूं 23, एरे की जो साइज है वो 23 है। ओके, तो 23 जो साइज है, अब इसको रिप्रेजेंट करने का कई तरीका हो सकता है। ठीक है, तो एक तरीका मैं यहां लिखता हूं, जैसे मान लीजिए कि हमें नाम प्रिंट कराना है। ठीक है, और उसमें यूजर की कोई मदद नहीं लेनी है हमें। ठीक है, हमें खुद से नाम प्रिंट कराना है, तो मैं अपना नाम प्रिंट करा कर आपको दिखाता हूं कैसे नाम को प्रिंट कराना है। यहां पर आपको बनाना है कर्ली ब्रेसेस और यहां पर सिंगल कोटेड कॉमा में जो भी नाम लिखना है वो लिखना है कॉमा से सेपरेट करते हुए। जैसे मान लीजिए यहां पे मैं लिखता हूं एस, ठीक है, फिर कॉमा, फिर यू, फिर कॉमा, फिर आर, फिर कॉमा, फिर ए, फिर कॉमा, फिर यहां जे। ठीक है, तो ये लिख दिया हमने, और लास्ट में आएगा नल कैरेक्टर। तो लास्ट में क्या लिखेंगे हम, \0 सिंगल कोटेड कॉमा में \0। ये ओ नहीं, ये जीरो है, तो ये ध्यान रखिएगा कि आपको \0 ही लिखना है। और यहां पे क्लोज कीजिएगा ब्रैकेट को। अब नीचे आएंगे हम, अब हमें क्या करना है कि यहां पे लगाना है फॉर लूप। ठीक है, पहले मैं एक और वेरिएबल बना लेता हूं इंट आई नाम से। ठीक है, और अब हम यहां पे स्क्रीन को क्लियर कर लेते हैं CLR SCR से। स्क्रीन को क्लियर करने के बाद हमें लगाना है लूप, तो हम लगा लेते हैं फॉर लूप। आपको जो सुटेबल लगे वो लूप लगा सकते हैं आप। इसके बाद जो है हम यहां पर जो हमने आई नाम से बनाया है इंटीजर, उसको हम लूप में चलाएंगे। आई इज इक्वल टू जीरो से स्टार्ट करेंगे, आई इज लेस देन और इक्वल टू। ठीक है, अब यहां पर जो है हमने क्या लिया है, यहां पे लिया है ए और ये है आई। ठीक है, तो लूप चलाने के लिए जो लिया है, तो यहां लिखूंगा मैं ए और यहां एरे में आई। ठीक है, तो ए आई लिख दिया हमने। ठीक है, और अब हमें बनाना है नॉट इक्वल टू का साइन, नॉट इक्वल टू। तो ये देखिए नॉट इक्वल टू का साइन है, आप देख सकते हैं इसको, ये नॉट इक्वल टू है। ठीक है, तो नॉट इक्वल टू कर दिया हमने, इसके बाद नॉट इक्वल टू हो गया। ठीक है, अब हो गया ये नॉट इक्वल टू,
ये नॉट का साइन है, और इसके बाद जो है यहां पे कर देंगे हम बैकस्लैश जीरो, ठीक है, बैकस्लैश जीरो, तो ये हो गया, ठीक है। यहां पे नॉट इक्वल टू बैकस्लैश जीरो हो गया। अब आई लिया है हमने, यस, तो आई प्लस प्लस कर देंगे, ठीक है, इंटर करके नीचे आएंगे। अब इसमें जो है हम यहां प्रिंट एफ लगाएंगे, ठीक है, चूंकि हमें कैरेक्टर्स प्रिंट कराने हैं तो हम परसेंट सी लिखेंगे, तो यहां लिखता हूं मैं परसेंट सी, ठीक है, ये लिख दिया हमने, तो परसेंट सी डबल इंटेड कॉमा में रहता है, ये फॉर्मेट स्पेसिफायर है। अगर इंटीजर की बात करें तो परसेंट डी लिखेंगे, और कैरेक्टर्स की बात करें तो परसेंट सी लिखेंगे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहां पर जो भी हमारा ए आई की वैल्यू देनी है, ए आई, यहाँ पे ए आई लिख देंगे, ठीक है, और इसके बाद इसको टर्मिनेट कर देंगे, ठीक है, बंद करके टर्मिनेट किया हमने। और इसके बाद जो है हमें आना है नीचे और यहां लगाना है गेट सी एच, गेट सी एच लगा दिया हमने। गेट सी एच लगाने के बाद यहां क्लोज करना है इसको, और इसको सेव करता हूं str.c, इस नाम से सेव है तो कोई दूसरा नाम ssst.c, ठीक है। अब ये सेव हो गया, अब इसको कंपाइल करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो ये सक्सेस हो गया। अब हमें क्या करना है, इसको रन करवाना है, तो रन करवाते हैं। तो देखिए सूरज नाम प्रिंट होकर आ रहा है हमारा, ठीक है। अब आपको पता चल गया होगा कि स्ट्रिंग क्या होती है, ठीक है, किस तरह से इसको प्रिंट कराया जाता है। अब एक और चीज जिसके लिए वीडियो मैंने बनाया है, पुटस क्या होता है, ये क्वेश्चन बार बार अराइज होता है, गेटस क्या होता है, पुटस क्या होता है, तो आज ये पुटस मैं क्लियर कर दूंगा आपको कि पुटस क्या होता है, ठीक है, सी लैंग्वेज में पुटस क्या होता है। तो पुटस देखिए क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि आप यहाँ पे क्या लिखते हो, प्रिंटफ लिखते हो, ठीक है, हमने यहाँ क्या लिखा है, प्रिंटफ लिखा है। स्ट्रिंग अगर हम पढ़ रहे हैं, स्ट्रिंग अगर हमें एंटर करानी है, तो हमें पुटस का यूज करना ही करना होगा। पुटस के बिना ये संभव नहीं है कि हम प्रिंटफ ना लिखें और जो है ये बन जाए। तो हम यहां इसको कमेंट कर देता हूं मैं, ठीक है, इसको क्या करता हूं, कमेंट कर देता हूं, एक मिनट, ये हो गया कमेंट, हुआ नहीं अभी, एक मिनट, ये था, और इसके बाद जो है ये लूप को भी कमेंट करना पड़ेगा हमें, तो इसको भी कमेंट कर ही देते हैं यहां से, ठीक है। तो ये हमने कमेंट कर दिया, और अब जो है हमें क्या करना है, ये यहां पे एक और इसको लगाना होगा ये कमेंट करने के लिए, ये देखिए स्टार लगाया हमने और लगा दिया बैकस्लैश, तो ये हो गया। तो इसे हमने कमेंट कर दिया है इतने पोर्शन को। अब नीचे आएंगे तो यहां पर हमें क्या करना है कि पुटेस लगाना है। तो हम जो काम प्रिंटफ से कर सकते हैं वही काम पुटेस से भी कर सकते हैं, और पुटेस में कोई फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाने की जरूरत नहीं, ठीक है। पुटेस लिखा हमने, और जैसे यहाँ पे लगा रहे थे हम, देखिए यहाँ पे परसेंट सी लगा रहे थे, लूप लगा रहे थे, ठीक है, तो ये कुछ नहीं लगा रहे हम, हमें सिर्फ क्या करना है, लिखना है पुटेस, और जो रखी हुई वैल्यू है उसमें वो अपने आप प्रिंट होकर आ जाएगी। मैं इसको सेव करता हूँ, या इसको अल्ट एफ नाइन करता हूँ, एरर अनडिफाइंड सिंबल पुटेस, यहाँ पर चूंकि हमने क्या लिया है,
ए लिया है, तो यहाँ ए लिखता हूँ मैं। अब इसको रन करवाने का वक्त है, ये सक्सेस हो गया, ठीक है। और F9 करता हूँ तो ये देखिए यहाँ पर जो है पुटेस का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि पुटेस जो है प्रिंटएफ की जगह इस्तेमाल होता है, और जो आपने यूजर से नहीं बल्कि आपने जो दिया हुआ है उसमें पहले से जो प्री डिफाइन किया हुआ है कि जो है आपके ए, जो भी आपने ए नाम का एरे, अभी देखिए मैं दिखाता हूँ आपको, ये ए नाम का जो एरे बनाया है जिसकी साइज साइज आपने लिखी है 23, ये ए में क्या आपने असाइन किया है ये आपको देना रहता है, और वही चीज आपको प्रिंट करके दे देता है पुटेस। आपको कोई फॉर्मेट स्पेसिफायर नहीं यूज करना है, जैसे आपने यहाँ पे परसेंट सी यूज किया था, नहीं यूज करना है आपको। आपको सिर्फ एरे का नाम लिखना है, ये एरे का नाम ए है, तो आपने एरे का नाम लिखा और ये सीधा सीधा प्रिंट होकर आ गया, तो ये काम होता है पुटेस का। आई होप कि ये बात समझ में आई होगी आपको, और अगले वीडियो में हम गेटस का देखेंगे कि गेटस क्या होता है और गेटस को हम कैसे यूज कर सकते हैं सी लैंग्वेज में प्रिंटिंग के दौरान। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।